नमस्कार। आज हम राजस्थान के सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। सिंचाई कृषि का उत्पादन को बढ़ाने और सतत उत्पादन के क्रम को सुनिश्चित करने, फसल को पानी की निरंतरता बनाए रखने, वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, अकाल, इन चीज़ों को कम करने के लिए सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य की बात की जाए तो जो तीव्र विकास होता है, जिसके लिए मुख्य रूप से ढांचागत सुविधाएं होनी चाहिए, या ऊर्जा है, विद्युत है, परिवहन है, संचार के साधन हैं, सड़कें हैं, सिंचाई, स्वास्थ्य, सारी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, उनमें से सिंचाई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि राज्य में लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अब यदि अपन कृषि नहीं सिंचाई की बात की जाए तो राजस्थान में सिंचाई मुख्य रूप से कुओं हैं, नलकूपों हैं तथा नहरों द्वारा होती है। यदि कुल प्रतिशत में बात करें तो सबसे अधिक कुओं और नलकूपों से लगभग 63% सिंचाई राजस्थान में होती है, और दक्षिण पूर्वी भाग राजस्थान का वहाँ तालाबों से सिंचित भाग किया जाता है या सिंचाई की जाती है। अब यदि अपन बात करें नहरों की, तो नहरों में मुख्य रूप से कहाँ सिंचाई होती है, जैसे गंगानगर में है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जालौर, अलवर, इन जिलों में 60% से अधिक क्षेत्र में नहरों से सिंचाई की जाती है। जैसे अब इंदिरा गांधी कैनाल से जैसलमेर में अच्छी कृषि की जाती है, लगभग वहाँ की 35% सिंचित क्षेत्र नहरों से किया जाता है। इसके अलावा भरतपुर में है, चित्तौड़ है, जयपुर है, झालावाड़ है, सीकर है, बारा, बांसवाड़ा, यहाँ पर बहुत कम है जो नहरों से सिंचाई भाग होता है। अब यदि प्रमुख नहर की बात की जाए तो इसमें जो आपके सिलेबस में है वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर वाला ये भाग है जो अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो पूर्व में राजस्थान की नहर के नाम से जानी जाती थी, यह नहर विश्व की महत्वपूर्ण नहर परियोजनाओं में से एक है, क्योंकि इस नहर के आने से ही राजस्थान का जो मरुभूमि है उसका कायाकल्प होने की स्थिति में आ गया है। यह नहर यहाँ सिंचाई उपलब्ध नहीं करवाती है, इस क्षेत्र में जो पश्चिम वाला भाग है, सिंचाई के साथ साथ यह नहर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर जैसे मरु नगरों या कस्बों या गांवों के निवासियों के लिए पेयजल आपूर्ति भी करती है। इस नहर के कारण ही आसपास के इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ है, वृक्षारोपण हुआ है, मृदा का संरक्षण भी हुआ है और पर्यटन जैसी सुविधाएं भी बढ़ी है। तो इस नहर के आने से कई तरीके से राज्य में लाभ की स्थिति बनी है। यह नहर 649 किलोमीटर लंबी है, 38 मीटर चौड़ी है और 6 से 7 मीटर गहरी है। ये नहर पूर्ण रूप से पक्की बनी हुई है और अब इसका आगे जैसलमेर से आगे रामगढ़ और बाड़मेर के गडरा रोड तक भी इसका बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है, जिससे पूरा जो बॉर्डर एरिया यहाँ तक ये पूरा इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। इस नहर के आने से ही सारी चीज़ें बनी हैं। अब इस नहर का यदि बात की जाए तो ये नहर का निर्माण कार्य हुआ है जो मुख्य रूप से कुछ चरणों में हुआ है। जैसे सबसे पहले राजस्थान फीडर का, जैसे ये वाला भाग है, जैसे हरिक के बैराज,
ये भाखड़ा नहर है, अब ये हरिक के बैराज से ये इंदिरा कैनाल को निकाला गया है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान फीडर। अब राजस्थान फीडर जो है जो पंजाब से व्यास एवं सतलुज नदियों के संगम स्थल पर निर्मित हरिक के बैराज से इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति करने हेतु 204 किलोमीटर लंबी ये राजस्थान फीडर बनाई गई। अब इसमें से 167 किलोमीटर भाग है जो पंजाब व हरियाणा में है और 37 किलोमीटर है जो राजस्थान की सीमा में। ये इसका फर्स्ट फेज था। अब उसके बाद में राजस्थान मुख्य नहर, यहाँ से मुख्य नहर या इंदिरा गांधी मुख्य नहर। अब यह फीडर से जुड़ने के बाद में यहाँ से 445 किलोमीटर लंबी है, तो प्रथम चरण में 143 किलोमीटर मुख्य नहर व 2945 किलोमीटर वितरक नहरों का निर्माण हुआ, जबकि द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर और 5830 किलोमीटर लंबी वितरक नहरों का निर्माण हुआ यहाँ से। अब यदि इसका तीसरा चरण बात करें, शाखाओं उपशाखाओं का निर्माण किया गया इसमें। अब राजस्थान की इंदिरा गांधी कैनाल की 9 शाखाएं हैं, 21 उपशाखाएं जो अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं से एक है जिसकी नहर प्रणाली 9060 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी इस क्षेत्र में। तो इसके बाद में इसमें कुछ वितरिकाएं या लिफ्ट नहरें निकाली गई। अब मुख्य रूप से इसमें 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, जिस सबसे पहले थी तो वो प्रथम चरण में जो कवरसैन लिफ्ट नहर परियोजना जो बीकानेर और लून करणसर नहर बनाई गई, उसके बाद में नोहर सहाबा बीकानेर गजनेर कोलायत लिफ्ट नहर फलोदी लिफ्ट सिस्टम पोखरण लिफ्ट फिर बांगड़ क्षेत्र लिफ्ट नहर परियोजना इसमें शामिल की गई। अब इस परियोजना में सूरतगढ़ व अनूपगढ़ में 2 विद्युत गृह भी स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर से राज्य के आर्थिक विकास में यदि बात की जाए तो सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कृषिगत जो उपज हुई उसमें वृद्धि हुई है, बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, पेयजल आपूर्ति जो मरुस्थलीय भाग था उसमें बढ़ी है, मरुस्थल का प्रसार हो रहा उस पर रोक लगी है, परिवहन के विकास जो अनाज की मंडियां यहाँ सृजित हुई है इस नहर के सिंचित भाग बढ़ने के कारण ही बढ़ी है, पशुपालन का विकास हुआ है और औद्योगिक विकास। इसलिए यह जो नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। अब दूसरा बात की जाए चंबल घाटी परियोजना, ये वाला भाग है चंबल घाटी परियोजना। यह मुख्य रूप से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल सिंचाई, भूमि के कटाव को रोकना, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, जिसको स्वतंत्रता के बाद 50 के दशक में प्रारंभ हुई थी। अब इसमें से 50% हिस्सा राजस्थान का है, बाकी मध्य प्रदेश का। अब इसमें भी 3 स्टेजों में ये काम हुआ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में बात की जाए तो गांधी सागर बांध का निर्माण 1959 में पूर्ण हुआ, फिर गांधी सागर विद्युत गृह का निर्माण किया गया, फिर कोटा सिंचाई बांध का निर्माण किया गया, फिर कोटा सिंचाई बांध के दाईं और बाईं ओर नहरों की व्यवस्था की गई, ये वाला कोटा सिंचाई बांध बाईं और दाईं ओर इसकी नहरों की सिंचाई की गई। तो ये फर्स्ट स्टेज में काम हुआ। अब दूसरा सेकंड स्टेज में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया, ये राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण यहाँ हुआ। राणा प्रताप सागर बांध पर जल विद्युत गृह स्थापित किया गया और इसी बांध की भूमिगत टनल का निर्माण किया, ये सेकंड स्टेज में ये हुआ। अब तीसरा ज्वार सागर का बांध का निर्माण, ये ज्वार सागर बांध कोटा बांध जिसको कहते हैं,
ये थर्ड स्टेज में काम हुआ। तो फर्स्ट स्टेज में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ, ये गांधी बांध। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध यहाँ, और तीसरा ज्वार सागर बांध। इस प्रकार से चंबल घाटी परियोजना का बांधों का निर्माण किया गया। अब यदि चंबल घाटी परियोजना के परियोजना से क्या लाभ हुआ, तो यदि अपन बात करें तो इस परियोजना से कोटा व बूंदी में 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया, सिंचाई से जोड़ा गया, और इस पे कई विद्युत गृह उत्पादन है जिसमें लगभग 4 लाख किलोवाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके परियोजना से बाढ़ पर नियंत्रण हुआ है, मृदा का कटाव रुका है, और चंबल के बिहड़ों में भी इस परियोजना से काफ़ी विकास हुआ है, या उनके औद्योगिक जैसे कोटा है, कोटा जिले में सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास का कारण ये परियोजना है। फिर कृषि मंडियों का निर्माण होना, मछली पालन होना और विद्युत का उत्पादन होना, इस प्रकार से यह परियोजना चंबल घाटी परियोजना राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है।